अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हफीज़ अहमद और आज मेरे साथ मौजूद हैं सुभान भाई और आज ये एक नई बाइक लेके आए हैं हमारे पास रैप्टर। तो सुभान भाई, इस बाइक के बारे में कुछ बताएं, ये जो आज आप इतनी ज़बरदस्त बाइक लेकर आए। सर, ये ओवर ड्राइव की कंपनी है, रैप्टर मॉडल है, डुअल स्प्लेंडर में आती है, EFI बेस है और बाकी इसमें भी 6 गियर की ट्रांसमिशन होती है, फ्रंट आगे लगता है, बाकी सारे 5 फॉरवर्ड में लगते हैं बैक पे। अच्छा, इसमें भी वही हिसाब है जो पिछली कावासाकी में जी देखा था, रेप्लिका में जो था वही हिसाब इसमें। सही। अच्छा, इसके ये कितनी सीसी बाइक है? ये 300 सीसी है। ये भी 300 जी? वो 350 सीसी, वो 350 होती है, 300 सीसी है। सही। और इसकी प्राइस क्या है बताइए आपने? सर, अगर आप 0 मीटर लेने जाएंगे 2021 का मॉडल तो आपको पड़ेगा 12.5 लाख या 11.5 लाख रुपए का। ये 20 मॉडल है, ये भी सेल होने के लिए है। सही। ये 2020 मॉडल जी, ये भी फर्स्ट ऑनर है, इसमें गोल्डन नंबर प्लेट लगी हुई है। सही। और जो ऑनर है इसके वो मेरे सगे मामू हैं। सही सही जी, जी। अच्छा, तो यूज़ में अगर किसी को चाहिए हो तो ये बाइक ये अवेलेबल है सेल होने के लिए सुभान भाई के पास, तो आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। अगर किसी को चाहिए हो तो वो नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसको खुद कॉन्टेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बाकी इसके बारे में, इसकी राइड वगैरह के बारे में बताएंगे, इसकी राइड कैसी है? जिसको हार्ले डेविडसन वगैरह बाइक का शौक होता है, चॉपर बाइक का, तो ये उसके लिए बेस्ट है। यानी कि इसको बहुत कंफर्टेबल लुक है इसका, बहुत कंफर्ट बाइक है यानी कि। अच्छा, इस पर अगर हम लॉन्ग रूट पे जाना चाहें, ट्रैवलिंग करना चाहें, तकरीबन मतलब ये आपको थकाएगी नहीं कभी, शहर से बाहर जाना चाहें, अभी यहाँ से कराची से हैदराबाद चले जाएँ। अच्छा, ये आपको थकाएगी नहीं। सही। मतलब जैसे होता है ना दूसरी बाइक पर शोल्डर में पेन होना चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सही। और अच्छा, फ्यूल एवरेज क्या है इसकी? फ्यूल एवरेज होगा इसका 18 से 20 एक किलोमीटर। हाँ, ठीक है, EFI है, कार्बोरेटर नहीं है इसमें। सही है। और बाकी पीछे इसकी ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है? पीछे सिंगल डिस्क है, फ्रंट पे डुअल डिस्क है। फ्रंट पे डुअल डिस्क है। और इसके जो फ्रंट वाले मोनोशॉक हैं एडजस्टेबल है, सॉफ्ट हार्ड आप अपनी मर्जी से कर सकते हो जैसा आपको करना है। उसमें मीटर जो दिया हुआ है वो डिजिटल है, डिजिटल मीटर जी। अच्छा, और इसमें जो लाइट दी हुई है, लाइट इसकी येलो थी, वो हमने आफ्टर मार्केट चेंज करा के वाइट करवा दी, बाकी आफ्टर मार्केट ही ये बल्कि सही है। बाकी इसका साउंड वगैरह जो है वो कैसा है? साउंड अभी तो इसका बिल्कुल नॉर्मल है, सुन है। बाकी इसमें आपके पास ऑप्शन होते हैं जालियाँ निकालने के, आप वो जाली निकाल सकते हैं, फिर ये बिल्कुल हार्डले वाला साउंड हो जाएगा आपकी बाइक का, भारी साउंड हो जाएगा, जैसे कि बेस वाला आ जाएगा, बेस आ जाएगी इसमें। सही है। अगर हम इस बाइक को लेना चाहें और कावासाकी रेप्लिका जैसे दी जिक्सर रेप्लिका, तो उसके कंपेयर में आप किसको प्रेफर करेंगे? मतलब वो सर देखिए, जिसकी रेंज अगर इतनी होती है तो अगर वो ये मतलब तकरीबन 10 से 12 लाख में मिल जाएगी यूज़ में। हाँ, रेप्लिका बाइक से हर किसी की पहुँच में आ जाती है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, वो उतनी महंगी नहीं होती। ये थोड़ी महंगी बाइक है लेकिन शौक पूरा करने के लिए भी पार्ट्स वगैरह भी मतलब महंगे हैं जी, पार्ट्स थोड़े महंगे होते हैं इसके। अच्छा, और इजीली अवेलेबल हो जाते हैं पार्ट्स? आपको ओवर ड्राइव के आउटलेट से मिल जाएंगे, कहीं शोरूम कहीं करीबी में कहीं से भी मिल सकते हैं, मतलब पार्ट्स वगैरह भी इजीली अवेलेबल है। और मैकेनिक को, इसका मैकेनिक उनके पास होता है एट टाइम। अच्छा, इसकी ट्यूनिंग वगैरह क्या हर महीने करवानी पड़ती है या कितना डिपेंड करता है? ये आपकी रनिंग के ऊपर है, रनिंग के ऊपर। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच सुभान भाई, आपने टाइम दिया और हमें इस बाइक के बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी। अब जो भी इंटरेस्टेड हो लेना चाहे तो वो कांटेक्ट कर सकता है, कमेंट कर सकता है, हम कांटेक्ट कर लेंगे। और इनका जो पेज है फेसबुक पेज, उस पर बाइक्स आती रहती हैं, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी हो तो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।